आज की वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, sec x tan x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्ञात करना है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि क्लास 12th में ये यूपी बोर्ड के 2008 में पूछा जा चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पुनः पूछा जा सकता है, दोहराया जा सकता है। हल करने से पहले चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। यहाँ दीजिएगा, मान लेते हैं सबसे पहले माना वाई इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सबसे पहले इसको समीकरण एक बना देते हैं, ठीक। समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगेगा, क्या होगा, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, बीच में प्लस रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड इंटू वाला, ठीक, डिवाइड वाला नहीं है ये, तो बीच में प्लस रहेगा, और फिर इसके बाद टेन एक्स और डिफरेंशिएशन सेक एक्स का होगा, ठीक। क्या होगा यहाँ पर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स को ऐसे उतार लेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक। क्या होगा यहाँ पर, सेक एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, देखिए इसको सेक क्यूब एक्स लिख सकते हैं, इसको टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पर सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।